बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आरजे पिजन प्रोफेशनल्स और यह यूट्यूब चैनल है और आप से मुखातिब है जी आरजे। आज हम एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं जो कि केज नंबर 1 की बनाई जा रही है। इस वीडियो के बनाने का मकसद यह है कि आपको बताया जाए कि एक ब्रीडिंग पेयर को कैसे तोड़ दिया जाता है और उसे तोड़ने की वजूहात क्या है, किन वजह से जो है एक ब्रीडिंग पेयर यानी कि एक वो पेयर जो कि ब्रीड कर रहा हो और फर्टाइल हो और अपने जो है बच्चे भी दे रहा हो तो उसे क्यों तोड़ दिया जाता है। आज इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। ये एक फ़ीमेल खड़ी है जी आपके सामने येलो कलर की, इसके साथ रेड कलर का मेल लगा हुआ था जो कि ऑलरेडी एक वीडियो में आपको दिखाया गया है केज नंबर 1 की, और उसमें इसका रिज़ल्ट भी दिखाया गया है कि इसने 2 बच्चे दिए हुए थे और वह सेल्फ हो गए हैं और उन्हें हमने छोड़ दिया हुआ है दूसरे केज में। यह जनाब फीमेल है जो कि येलो कलर की है, उसके साथ हमने रेड कलर का मेल लगाया हुआ था। फर्टिलिटी रेशो इसकी ठीक थी, 2:2 थी, 2 ही अंडे देती थी और दोनों ही बच्चे निकालती थी। और इसके साथ जो कलर था जो कि हमने पहले भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं कि कलर्स किस तरह बनते हैं, तो इनका एक्सपेक्टेड कलर्स भी ठीक थे जिनमें येलो आ रहा था और रेड आ रहा था, दोनों ही कलर्स आ रहे थे और दोनों ही डोमिनेंट कलर्स थे, उनमें कोई तीसरा कलर फैक्टर इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। उनका जो मेन मसला था वो ये था कि इसका साइज़ इम्प्रूव नहीं हो रहा था इस पेयर का, यानी कि ये जो बच्चे इनके आ रहे थे वो साइज़ में ठीक नहीं थे, वो बस 100-100 थे। जैसे कि ये फीमेल का साइज़ आप देख रहे हैं फ्रेम में भी नहीं आ रहा, तो लेकिन इनके जो बच्चे थे वो इस कलर साइज़ नहीं पकड़ रहे थे। तो बजाय इसके कि उन्हें कोई और फार्मूले ग्रोथ फार्मूले ये वो तो लगाया जाए, नेचुरली क्यों ना इनके साइज़ को इम्प्रूव किया जाए। तो इस सिलसिले से इस पेयर को तोड़ दिया गया है और इसके साथ उम्मीद है कि आप एक और नया मेल लगाएंगे जो कि साइज़ में बड़ा होगा, और उम्मीद करते हैं कि इस पेयर से जो है वो साइज़ इम्प्रूव हो जाएगा, जो ऑफस्प्रिंग यानी कि इनके बच्चे आएंगे वो साइज़ में अच्छे होंगे। और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि हम आपको बताते जाएं कि जो खामियां आती हैं किसी भी ब्रीडिंग सेटअप में वो क्या होती हैं। और ये पहली खामी है जो कि हमने आपको बताया है कि पेयर तो अच्छा चल रहा था लेकिन इसकी जो खामी है वो यही है कि इसके जो साइज़ है वो इम्प्रूव नहीं था, बाकी माप शाप ठीक थे लेकिन कलर भी जो कि हम एक्सपेक्टेड करते थे वही प्रोड्यूस करते थे, यानी कि येलो और रेड जो कि रियर कलर है और इन डिमांड है मार्केट में, लेकिन जो साइज़ था वो कोई इतना ख़ासा नहीं था, गो के जो येलो कलर्स हैं वो उनमें साइज़ जो है वो इतने आते नहीं हैं, लेकिन हमने कुछ येलो कलर्स में साइज़ इम्प्रूव किए हैं। जैसा कि येलो कलर की फीमेल आपके सामने खड़ी है, ये ठीक है और इसका साइज़ भी ठीक है, इसमें अब एग ले कर दी है कल, ये फर्टाइल तो होगा लेकिन इसका मेल हमने उतार दिया है, तो अब ये जो एग है ये किसी और पेयर के नीचे भी ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि इस पेयर को खाली करके इस फीमेल को इसके साथ एक और मेल लगाया जाए। अभी इसे रेस्ट देने का मकसद ही यही है अकेला छोड़ने का कि थोड़ी हेल्दी हो जाए और रेस्ट में आ जाए, तो फिर इसके साथ एक और मेल लगाएंगे जो कि फिर एक अच्छी प्रोग्रेस देगा। अभी ये जो अंडा है ये हम निकाल लेंगे और इसे 1 वीक और रेस्ट देंगे, 1 वीक के बाद इसके साथ एक और नया मेल लगाएंगे और इसे हमने येलो ही प्रोड्यूस करने हैं क्योंकि ये डोमिनेंट फीमेल है येलो कलर में, तो इसलिए इससे जो येलो कलर्स हैं वही लेंगे और उसके लिए जो भी एक्सपेक्टेड मेल होगा वो लगाएंगे और उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये प्लेलिस्ट में केज नंबर 1 में ये वीडियो डाल देंगे ताकि आपको आइडिया होता रहे कि ये 1 नंबर केज की क्या प्रोग्रेस रही है, आगे हमने इसके साथ कौन सा मेल लगाया है और उस मेल की जो है वो प्रोग्रेस क्या थी हमारे पास, और क्या वो हमारा जो कदम है इसके साथ और मेल लगाने का वो अच्छा रहा है, उसका साइज़ इम्प्रूव हुआ है या नहीं, ये सारी चीज़ें जो है आपको नेक्स्ट जो है वीडियोज़ में आपको मिलती रहेंगी आहिस्ता आहिस्ता, और केज नंबर की वीडियो प्लेलिस्ट में केज नंबर 1 में डलती रहेंगी और इसी तरह आपके साथ बाकी केजेस जो हैं वो भी शेयर होते रहेंगे। ये प्लेलिस्ट बनाने का मकसद ही ये है कि आपको ब्रीडिंग हिस्ट्री जो है उसका पता चलता रहे क्योंकि हमारा लोगो है वो सर्व विद हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को सर्व करने के लिए हमें जो है प्लेलिस्ट बनानी पड़ेगी जिसमें सारी जो है आपको
इनकी कारकर्दगी जो है स्टेप वाइज आपको नज़र आती रहेगी कि इस मंथ में क्या हुआ है, नेक्स्ट मंथ में क्या होगा और उससे नेक्स्ट मंथ में इसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस कैसी रही है। ये सारी प्ले लिस्ट जो है आपके सामने आ जाया करेंगी जब आप आरजे पिजन प्रोफेशनल्स को खोल के इनकी प्ले लिस्ट में जाके केज नंबर एक की जो प्ले लिस्ट है वो देखा करेंगे। तो इससे जो है वो सेल करने में भी आसानी होगी किसी भी भाई को, और ये जो ब्रीडिंग हिस्ट्री है ये इसी तरह मेंटेन करने जा रहे हैं जिस तरह के ये लव बर्ड्स वाले मेंटेन करते हैं। इस तरह का एकदम जो है वो पिजन्स में खसूस तौर पर अमेरिकन कंटेल्स में नहीं है। तो ये नया सेटअप जो है वो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको इनकी हिस्ट्री के साथ इसकी वीडियोस अपलोड किया करेंगे और इन्होंने कितने एग ले किए हैं उस वो भी एक पेज पे लिखे जाते हैं और वो भी हिस्ट्री जो है वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप जो है वो इन्वॉल्व करते रहेंगे और ये वीडियोस जो है उनमें डालकर आपके साथ शेयर करते रहेंगे ताकि आपको आइडिया होता रहे कि ये जो है किस तरह प्रोग्रेस करते हैं और एक जो नया फैंसियर है वो इसे किस तरह लेकर चलेगा, तो उसके पास किस तरह की ब्रीड आएगी। क्योंकि ऑलरेडी हमने वीडियोस बना दी हुई हैं कि ब्रीड लेना किस तरह पॉसिबल है और हमें किस तरह के कलर्स आपस में लगाने चाहिए, यानी मेल किस कलर का हो और फीमेल किस कलर का हो, तो उसकी जो है वो आगे पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग्स किस तरह के आएंगे, यानी बच्चे किस तरह के प्रोड्यूस होंगे और बच्चों का जो कलर है वो किस तरह बनाया जाता है, वो फिज़िकल जेनेटिक्स हमने रखी है ना कि दूसरी जेनेटिक्स जो कि काफ़ी मुश्किल होती है डीएनए वाली। तो हमने फिज़िकल जेनेटिक्स से 50-60% कवर करने की कोशिश की है। जिन भाइयों ने वो देखनी है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके जेनेटिक्स के वाले से जितने भी वीडियोस हैं जिसमें कोई 4-5 एग्जांपल्स की वीडियोस बनी हुई हैं वो देख सकते हैं जाके, और उनसे आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का कलर आगे किस तरह के जो बच्चे प्रोड्यूस करता है। तो ये जनाब आपके साथ वीडियो शेयर की जा रही है। आज है तारीख 17/1/2023 और ये वीडियो अब अपलोड कर दी जाएगी और व्यूवर्स के साथ ये शेयर कर दी जाएगी और इनका मकसद आपको आगे समझा दिया है। ये केज नंबर एक है और आप देख रहे हैं आरजे पिजन प्रोफेशनल्स, और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में इनका आइडिया होता रहे कि एक जो पेयर है उसको किस तरह लेकर चलना है। खसूसन ये अमेरिकन फैंटेल्स पे बनाई जा रही हैं वीडियोस और यही अपलोड की जाएंगी लिस्ट बाई लिस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।